तो दोस्तों फाइनली क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100 कूलर का इनसाइड क्लीनिंग वीडियो यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ। इसे एक साल से ज़्यादा समय तक यूज करने के बाद क्या है सही तरीका इसको क्लीन करने का, किस तरीके से ओपन करना है, क्या क्या दिक्कतें मुझे फेस हुई इसे ओपन करने पे, इसके साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके साथ क्लीनिंग का, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। और हाँ, वीडियो यहाँ पे लंबा होगा क्योंकि मैंने सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में दिखाई हैं, वीडियो को पूरा देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा कुछ आपको दिखा देता हूं। लेट्स गो। तो कुछ इस तरीके से बाहर यहाँ पे रख के ये कूलर यूज हो रहा है, 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कई सारी वीडियोज इस कूलर के, चाहे वो अनबॉक्सिंग रिव्यू हो या फिर क्लीनिंग हो, बाहर से इसकी क्लीनिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला है। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि बाहर से नहीं बल्कि इसको किस तरीके से इनसाइड क्लीनिंग करनी है, ओपन किस तरीके से करना है, वो चीज आप किसी वीडियो में दिखाएं। तो आज का ये वीडियो उसी चीज के बारे में है। देख सकते हैं कूलर हर तरफ से गंदा हो गया है पूरी तरीके से, और इधर आगे से देख सकते हैं सारे ग्रिल्स अंदर पंखे पे किस हद तक डस्ट जमा हो गई है। तो इनसाइड क्लीनिंग इसको ओपन करके बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लग वगैरह को कर देते हैं रिमूव, और जितने भी इसमें नेट हैं वो भी कर देते हैं रिमूव। आपको ये नेट हफ्ते में 2 बार धोना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट ये खींचता है। तो ऑलरेडी मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में ही बताया था कि अगर इस कूलर को आपको ओपन करना है तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी। टोटल 9 स्क्रूज यहाँ पे लगे हैं, उसको ओपन करने के बाद ही ये कूलर का बैक पैनल ओपन होगा। तो कुछ इस तरीके वाला बिट आप यूज कर सकते हैं, स्टार वाला, और इससे आप ये स्क्रूज ओपन कर सकते हैं। तो फटाफट सारे स्क्रूज मैं कर लेता हूँ ओपन। तो यहाँ पे ये 3 स्क्रूज तो ओपन हो गए आसानी से। दिक्कत वाली बात अब होगी क्योंकि जो साइड में स्क्रूज लगे हैं वो काफ़ी डीप हैं, वहाँ पे दिख भी नहीं रहा कि किस तरीके से स्क्रू ड्राइवर इंसर्ट करना है, घुमाना है। और नेक्स्ट जो दिक्कत है वो ये है कि स्क्रू बाहर निकलता नहीं। ये वाला किसी तरीके से निकला है, यहां सेम दिखता नहीं है कि किस डायरेक्शन में हमें स्क्रू ड्राइवर इंसर्ट करना है, फिर रोटेट करना है। तो ये सारी दिक्कतें काफी ज्यादा हैं इस कूलर में। ये स्क्रू भी यहां पे रह गया। चलिए फटाफट बाकी स्क्रूज को भी स्ट्रगल करके ओपन कर ही लेते हैं, अब करना ही है और आपको करना पड़ेगा अगर आपके पास ये कूलर है। ओके, तो स्क्रूज तो यहाँ पे हो गए ओपन, बाकी दूसरे नट्स भी निकाल देता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप, ये भी काफ़ी मुश्किल है, इस बैक पैनल को निकालना इजी नहीं है। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, इसको किस तरीके से ओपन करना है ये भी डर था कि कुछ अंदर से टूट ना जाए। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो केयरफुली मैंने इसे किया और फाइनली काफ़ी देर के बाद यहाँ पे बैक पैनल निकल गया। और अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं क्या है, हर तरफ पानी की पपड़ी जमी हुई दिख रही है, येलो कलर की, काले कलर की। और इसको मुझे लग रहा है कि क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, एक युद्ध होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हमारा मोटर वाला सेक्शन एक प्लास्टिक के स्टैंड पे सारा कुछ सेट है, और पाइप के सारे कनेक्शन इसी बैक पैनल में जुड़े हुए हैं। ऊपर से पाइप कनेक्ट है हमारे आइस चैम्बर में, और इस पाइप को टाइट करने के लिए ये लोहे वाला कुछ ब्रैकेट सा लगा है, इसको हमें ओपन करना होगा। इस पे जंग भी लगी है, उसके बाद ये पाइप हो जाएगा डिस्कनेक्ट। नाउ देख सकते हैं पाइप पे किस तरीके से पानी के दाग हैं, हर तरफ आपको पपड़ी पानी की दिखेगी क्योंकि हमारे इलाके का पानी जमीन से आता है और वो पानी बहुत ज्यादा गाढ़ा है, और उसी कारण यहाँ पे इतनी ज्यादा पपड़ी जरूरत से ज्यादा जमी है। बाकी नीचे से भी वही सेम ब्रैकेट लगा है, उसको भी ओपन करके रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे भी काफी ज्यादा रस्ट लगा है, रखते हैं एक तरफ। और अभी हमारा बैक पैनल डिटैच हो गया, इसको रखते हैं एक साइड, इसको भी क्लीन करना होगा आगे। एक जो दिक्कत मुझे आ रही थी, यहाँ पे ऑटो कट वाला फंक्शन काम नहीं कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि जो ऑटो कट वाला फंक्शन है वो इधर वाले कनेक्शन में लगा हुआ है, जिस वाले में मैं लगा के यूज कर रहा था उसमें नहीं है। कूलर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पानी की पपड़ी ना जमी हो। अब यहाँ पे आइस चैम्बर के नीचे जो छोटे छोटे होल बने हैं वो कुछ इस तरीके से है, इसी तरीके से पानी नीचे आता है, और यहाँ पे भी डस्ट और पानी की पपड़ी जमी हुई, और यही चीज सबसे ज्यादा मुश्किल बनाएगी इस कूलर को क्लीन करने के लिए। कूलर के पंखे का ब्लेड तो बिल्कुल स्मूथली स्पिन हो रहा है, कभी कभी ये जाम सा फील होता है, पर अभी तो बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है नहीं पता, टैंक में क्या स्थिति है इसको क्लीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो फिलहाल मैं कूलर को लेके आ गया हूँ अपने बाथरूम के अंदर, और शुरुआत करते हैं। मुझे वैसे समझ भी नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ क्लीनिंग, दिमाग में चीज बन गई है कि बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगेगा। तो अभी मैं यहाँ पे सर्फ डाल रहा हूँ टैंक में, जिससे कि थोड़ा सा जो डस्ट है और जो पानी की पपड़ी वो कटे और उसको क्लीन करने में इजी हो। तो यहाँ से मैं ब्रश से क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर जो ब्रश का ब्रिसल है वो नीचे तक पहुँच नहीं पा रहा है, क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जिस तरीके से इसको बिल्ड किया गया है।
ये देखिए काकरोच भी यहाँ पे था। और बीच में जो ये बड़ा सा मोटर को होल्ड करने वाला स्टैंड लगा है, ये और भी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है अंदर के टैंक को क्लीन करने का। साथ ही साथ शार्प एजेस भी हैं जो कि हैंड को स्क्रैच कर रहे हैं, हाथ कट रहे हैं। और अगर मैं चाहूँ इस स्टैंड को रिमूव करने का तो सारा कुछ मुझको ओपन करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करने वाला। तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग हुई वो करके पानी को बाहर किया है। देख सकते हैं नीचे टैंक की स्थिति बहुत ही बुरी हालत है, तो इसको करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम करते हैं क्लीनिंग इसके पंखे को कपड़े से। पहले सूखे कपड़े से हम इसे पोछेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद इसको गीले कपड़े से करेंगे। ब्रश का भी थोड़ा इस्तेमाल करूंगा। तो अभी मैं हो जाता हूं थोड़ा सा साइलेंट, आप देखते रहो। ये देखिए कितना ज्यादा डस्ट का लेयर है। इधर देखिए कितने सारे पानी के पपड़े यहां भी जमे हुए हैं आइस चैम्बर के नीचे। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत घंटों की रिकॉर्डिंग थी, मैंने फास्ट फॉरवर्ड 10 टाइम इसको ज़्यादा स्पीड बढ़ा के किया है, तब जाके वीडियो इतना बड़ा हुआ है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा था। नाउ अभी वेट क्लोथ से मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ पंखे की। तो यहाँ पे कुछ इस हद तक बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद क्लीनिंग हो गई है, अभी थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है पंखुड़े और ये स्टैंड। अभी चलते हैं थोड़ा सा नीचे टैंक को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। अगेन ब्रश एक बार फिर ट्राई करता हूँ, जो कि यूजलेस है मेरे हिसाब से, यहाँ पे ब्रश तो काम कर नहीं रहा, पानी थ्रो करने पे ही जो साफ हो रहा है वो हो रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था इस प्लास्टिक के अजीब टाइप के डिज़ाइन होने के कारण और काफ़ी शार्प होने के कारण यहाँ पे हाथ में ये हर्ट कर रहा है, क्लीनिंग करने में दिक्कत कर रहा है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नया नवेला स्क्रब पैड लिया है, अब इससे ही रगड़ रगड़ के हम इसे साफ करते हैं। वीडियो को करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड, आप देखते रहो। कुछ इस हद तक मैंने साफ किया है और ब्रश का पीछे वाला जो टंग क्लीनर होता है उससे भी मैंने रगड़ रगड़ के इसको क्लीन किया है। और अगेन अभी मैं फिर से कुछ सर्फ लगा के इस साइड का भी क्लीनिंग करूँगा। तो दो साइड तो हो गए कंप्लीट, बाकी भी करते हैं। तो टैंक का चारों दीवार यहाँ पे जितना मुझसे हो सका वो मैंने किया है। देख सकते हैं कितने सार पेजेज हैं, लाइनिंग बनी है इसको मजबूती देने के लिए, पर क्लीनिंग के लिए कुछ भी सोचा नहीं गया इस कूलर को डिजाइन करते टाइम। क्या सोच के इसकी इंजीनियरिंग की गई है मुझे समझ में नहीं आता। चलते हैं टैंक क्लीनिंग की तरफ, सबसे हार्ड पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ना तो मेरा हाथ पहुँच रहा है इस फ्रेम के कारण और इतना ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से यहाँ पे पानी जम चुका है कि क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं थक भी गया हूँ। और हाथ देखिए मेरे बहुत ज़्यादा चोट खा रहे हैं और अब जाके मुझे याद आया कि ग्लव्स भी लगा लेना चाहिए। ये काम मुझे पहले करना था पर दिमाग में नहीं आया। इस पंप वाले पाइप को भी निकाल देते हैं, बीच में लफड़ा कर रहा है। और स्क्रबर से अभी मैं रगड़ के कर रहा हूँ कोशिश साफ करने की। तो बॉटम पे जितनी क्लीनिंग हो सके मैंने की है, अभी बाकी साइड से भी इसको क्लीन कर लेते हैं इसके हैनी पैड को।
ये देखिए ग्लव्स का हाल। और ये देखिए क्लीनिंग करने में नए स्क्रब पैड का क्या हाल हो गया है, समझ सकते हैं। कूलर में हर तरफ शार्प एजेज हैं प्लास्टिक के। बाकी बाहर से किस तरीके से क्लीन करना है यह मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है, तो ये चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ। और ये ग्लव्स पूरा फट गया है तो इसको भी अभी निकाल देता हूँ। इसे काफ़ी हेल्प किया इसने क्लीनिंग में। तो अभी तक इतना सारा क्लीनिंग करने के बाद आप फ्लोर पे देख सकते हैं हर तरफ डस्ट पार्टिकल्स, और जो येलो येलो चीज़ दिख रही है वो है स्क्रब पैड का स्पंज, कुछ गलत मत समझ लेना। और एक और जो गंदी बात है इस कूलर में, इसमें कहीं भी एक एक्सटर्नल पोर्ट नहीं लगाया गया है कि आप टैंक का पानी निकाल सको। पंप के जरिए निकालोगे तो 4 दिन लगेगा टाइम, स्लोली स्लोली निकालता है, बिजली भी बर्बाद। तो इसको इसी तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूँ पलट के निकालना पड़ता है पानी को। तो यहाँ पे कुछ इस हद तक मैंने टैंक को साफ़ किया है, पूरे कूलर को साफ़ किया। और साफ़ करने के बाद जितने भी कूड़े कचड़े यहाँ पे निकले हैं वो मेरे पानी के जाली को जाम कर चुके हैं। अभी कूलर को चारों तरफ से करता हूँ क्लीन, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में दिखाया है, ये पार्ट मैं करता हूँ स्किप। तो बाहर से टोटल कूलर की क्लीनिंग, आइस चैम्बर की क्लीनिंग और पूरी वॉशिंग के बाद अभी वापस आ गया हूँ। और कुछ ऐसा दिख रहा है अभी कूलर सारी क्लीनिंग के बाद। तो नेक्स्ट अभी बैक पैनल को अंदर से क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि बाहर से मैंने ऑलरेडी कई बार किया है, आज फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूँ इसको। तो करते हैं अंदर से भी इसकी क्लीनिंग। यहाँ भी बहुत सारी गंदगी और वही पानी की पपड़ी जमी हुई है। तो देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड। तो इसको क्लीन करने में उतनी मुश्किल नहीं हुई जितना कि कूलर के टैंक को करने में हुई है, और काफ़ी हद तक ये साफ हो गया। एक चीज़ आपको दिखा दूं, पीछे जो यहाँ पे कंट्रोल डायल दिया गया है पंप की स्पीड को बढ़ाने घटाने या फिर ड्रेन फंक्शन के लिए, इसको मैं पहले समझ रहा था कि ये डिजिटल तरीके से होगा, यहाँ पे कोई सिस्टम लगा होगा, पर यहाँ पे सारा कुछ यही पाइप और एनालॉग तरीके से ये है। तो इसको ईजिली आप क्लीन कर सकते हैं, कुछ भी खराब नहीं होगा। तो लगभग ये हो गया क्लीन, और अगेन नाली के जाली पूरी हो गई है जाम। थोड़ा सा करते हैं क्लीन जिससे कि पानी जाए बाहर। स्क्रबर के स्पंज चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये देखिए बैक पैनल काफी अच्छे तरीके से साफ हो गया। रख देते हैं इसको बाहर थोड़ा सा सूखे। तो बाथरूम से कूलर को निकाल के मैंने बाहर ला दिया है, और बाहर आप देख सकते हैं अभी हो गया अंधेरा। दिन के टाइम से मैंने इसे शुरू किया था, करते करते हो गई है रात, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। बाकी चीज़ें यहाँ पे सूख रही हैं, और रोशनी के लिए यहाँ पे मैंने लाइट का सेटअप वगैरह भी किया है। बहुत कुछ करना पड़ता है एक वीडियो को बनाने में। अंदर से देख सकते हैं किस हद तक कूलर साफ कर दिया है मैंने। आगे मैं कुछ दिखाऊं उससे पहले आपको दिखा देता हूं आगे का जो ये कंट्रोल पैनल है, सारे डायल हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगे हैं, और कुछ पानी यहाँ पे अंदर भी गया है। इन डायल्स को किस तरीके से क्लीन करना है, इजिली आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और ये हिस्से को इस तरीके से कर सकते हैं क्लीन कपड़े के जरिए, क्योंकि ये भी थोड़ा टाइट टाइट सा काम कर रहा था यहाँ पे पानी जमने के कारण, डस्ट जमने के कारण। और अभी क्लीन होने के बाद ये सही से काम करेगा, देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया क्लीन। नेक्स्ट मैं हेयर ड्रायर के यूज़ से यहाँ पे इसको और ड्राई कर रहा हूँ जिससे कि अंदर तक हवा जाए और अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो भी सूख जाए। इसके बाद इजीली कुछ इस तरीके से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं रोटेट करके, और परफेक्टली अभी ये स्पिन कर रहा है, काम कर रहा है। तो नाउ ये हो गया बिल्कुल क्लीन, ड्राई एंड फिट। नेक्स्ट अभी कूलर के अंदर भी इसको क्लीन करते दौरान बहुत ज़्यादा पानी इधर उधर गया है, तो इसको भी ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तब तक हम इसे स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक पूरा सूख नहीं जाता। जैसा कि अभी डे टाइम नहीं है, नाइट हो गई है, तो मुझे हेयर ड्रायर यूज करना पड़ रहा है, नहीं तो दिन का समय होता तो धूप में ओपन इसे मैं रख सकता था ड्राई होने के लिए।
पर अभी फ़िलहाल यही ऑप्शन है। हेयर ड्रायर से मैं यहाँ पे सारे हिस्से जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं ड्राई कर रहा हूँ। मेक श्योर कि सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के पास हर चीज़ ड्राई रहे। नेक्स्ट फैन जैसा कि थोड़ा सा जाम चल रहा था तो यहाँ पे WD की मदद से मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लुब्रिकेंट करूँगा, क्लीन करूँगा। इससे होगा ये कि थोड़ा सा ये लुब्रिकेंट भी हो जाएगा और जो भी थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह है वो भी क्लीन हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट रबर के ये जो टिप्स बोल्ट पे लगे हुए थे उसको वापस लगा देता हूँ और यहाँ पे पंप के पाइप को भी कर देते हैं कनेक्ट। इसको भी मैंने क्लीन किया था। नेक्स्ट चीज अभी बैक पैनल को कनेक्ट करना है जो कि सबसे मुश्किल पार्ट है। तो बड़ी वाली पाइप यहाँ पे ऊपर लगेगी, ये पतली वाली पाइप नीचे रहेगी डायरेक्ट पानी फिल करने के लिए, और पंप वाली पाइप कुछ यहाँ पे कनेक्ट होगी। तो इसे करने से पहले वो जो ब्रैकेट था लोहे का उसको लेके आता हूँ क्योंकि इससे अच्छे से टाइट करना है वरना लीकेज होगा। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है, ये जो सारा सिस्टम इन्होंने बनाया यहाँ पे पाइप कनेक्ट करने का बैक पैनल में, उसको किस तरीके से होल्ड करें, किस तरीके से टाइट करें, वो करना बड़ा मुश्किल होता है जैसा कि देख रहे हैं। तो अगर दो लोगों की मदद मिले तो ये काम थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर भी काफ़ी मुश्किल है। अभी इस ब्रैकेट को स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके पेंच को कर देना है टाइट जैसे कि पाइप वहाँ पे हो जाएगा फिट। तो ये देखिए परफेक्टली यहाँ पे हो गया टाइट। तो दो पाइप तो यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं। अभी तीसरा पाइप जो कि ऊपर हमारे आज चैम्बर में कनेक्ट होगा, पंप से पानी खींच के ये ऊपर भेजता है, इसको भी कर देते हैं इंसर्ट और इस ब्रैकेट की मदद से कर देते हैं टाइट। पर दोस्तों दिक्कत ये है, इस वाले ब्रैकेट में बहुत ज़्यादा रस्ट जम गया है और थोड़ा भी यहाँ पे स्क्रू इसका स्पिन नहीं हो रहा टाइट होने के लिए। ओपन तो हो गया था पर टाइट नहीं हो रहा। तो फाइनली मैंने इसे यहाँ से निकाल दिया और इसको WD-40 से क्लीन किया है और उसके बाद ये थोड़ा सा काम कर रहा है। इस वाले ब्रैकेट को मैं नीचे लगा रहा हूँ, नीचे वाला जो ब्रैकेट था वो थोड़ा नया था, उसमें रस्ट नहीं था, उसको मैंने ऊपर कनेक्ट कर दिया है क्योंकि ऊपर ज़्यादा सिक्योर होना ज़रूरी है। वहाँ पे आइस चैम्बर में पानी जाएगा, अगर वहाँ से लीकेज होती है तो सारा कुछ पानी मोटर में जाएगा। तो रस्ट वाला यहाँ पे लगा दिया और ऊपर लगा दिया है नया वाला। और ये सारा कुछ तामझाम करने में क्योंकि जगह की दिक्कत है, कई सारे यहाँ पे पाइप्स हैं, कनेक्शन हैं, तो पंप वाली पाइप यहाँ पे निकल गई, उसको फिर से लगा देते हैं। फाइनली ये सारे कनेक्शन हो गए पूरे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और ये चीज़ बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली, आप करेंगे तो इरिटेट ज़रूर होंगे। नेक्स्ट ये सारा कुछ होने के बाद अभी बैक पैनल को अलाइन करके हमें लगाना है और ये करना भी इजी नहीं था। मैंने बहुत देर तक इसको अलाइन करने की कोशिश की, वो क्लिप भी मैंने रिकॉर्ड नहीं की है क्योंकि इसको लगाते लगाते मैं परेशान हो गया और जब ये लगभग अलाइन हो गया तो मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है। तो इसको लगाने के बाद कुछ इस तरीके से आपको हर तरफ से प्रेस करके सिक्योर कर देना है तो जाके ये यहाँ पे फिट होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है वही मुश्किल काम, डीप वाले होल में स्क्रूज लगाने हैं। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर का बिट्स वहीं फंसा रह गया था, मुझे लगा कि निकल गया है। चलिए फटाफट बाकी स्क्रूज भी लगा देते हैं, अब जो दिक्कत है वो तो करनी पड़ेगी स्कूलर में। तो इस साइड के तीन पेच तो लग गए हैं डीप वाले एरिया में, अभी ऊपर तीन पेच इसको लगाना थोड़ा इजी होगा। तो ये दोनों पेज भी लग गए हैं, उनसे कम मेहनत लगी इसको लगाने में। बाकी साइड के भी पेज डीप वाले एरिया में लगा देते हैं। एंड अगेन वही दिक्कत है, अंदर डीप होल है, उसमें स्क्रू डालना है, फिर सही डायरेक्शन में कसना है, कई बार स्क्रू गलत जगह फंस जा रहा है तो निकल भी नहीं रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो फाइनली यहाँ पे सारे स्क्रू लग गए हैं, कूलर हो गया बंद, लास्ट वाइप कर देते हैं और अभी इस नेट को भी लगा देते हैं जो कि ये भी मुश्किल ही है, इसको भी लगाना इजी नहीं है क्योंकि जो राइट साइड में कटआउट है उसके कारण से मुश्किल होती है और काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है तो उसी कारण से दिक्कत आती है। ओके लग गया है, इस साइड का भी मैंने नेट लगा दिया है और हर तरफ से कूलर है क्लीन। एक बार कर लेते हैं टेस्ट कि चल भी रहा है या फिर कुछ गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे हो गया कूलर स्टार्ट, सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहा है, थैंक गॉड।
थम्स अप जरूर देना यार, बहुत मेहनत लगी है। आप करोगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट कर देते हैं पानी फिल, और उसके बाद टेस्ट करेंगे पंप वगैरह भी क्लीन है, सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। करते हैं पंप को ऑन, कूलर को भी ऑन, और ये देखिए पंप के पाइप में जो डस्ट पार्टिकल्स और वही पानी की पपड़ी जो जमी थी वो देखिए यहाँ पे ऊपर आ रही है। तो ये चीज़ भी हमें फिर से क्लीन करनी होगी। करना क्या है, आपको पंप को बंद करना है, सारा पानी अंदर टैंक में जाएगा और ये जितने भी डस्ट पार्टिकल उसको गीले कपड़े से आपको कुछ इस तरीके से पकड़ के उठा लेना है। ये स्टेप आपको 3 से 4 बार करना है, मैंने करके देखा है, हर बार यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आ जा रहे थे, तो कई बार करने के बाद यहाँ पे फाइनली ये पूरा क्लीन हो गया है हमारे पाइप का कनेक्शन, और अभी सारा काम हो गया है पूरा। यहाँ सामने लग गया है कूलर, एयर दे रहा है बिल्कुल फ्रेश अभी, क्योंकि नहा चुका है, धो चुका है रगड़ रगड़ के। हनीकॉम पैड पे अच्छे से पानी गिर रहा है, पंप अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे अभी आइस चैम्बर में भी पानी बिल्कुल क्लीन है, कोई भी डस्ट पार्टिकल अभी नहीं है फाइनली। अब दोस्तों लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कूलर को क्लीन करने में। तो आपके सामने है रिजल्ट, मेरे हाथ हर तरफ से कट पिट गए हैं, देख सकते हैं दोनों ही हाथ, बहुत ज़्यादा हॉरेबल मेरा एक्सपीरियंस रहा इसको क्लीन करने का। आपका कैसा रहा कमेंट में बताना, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बोलना। तो दोस्तों फाइनली वीडियो जैसे कि मैंने कहा था काफ़ी लंबा हो गया, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसे बनाने में और क्लीनिंग करने में तो पूछो मत, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा। वीडियो को शेयर भी कर देना उन लोगों के साथ, और कोई भी क्वेश्चन है स्टिल आप ये कूलर यूज कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन फ्री है, वहाँ पे बताओ, पूछो जो भी पूछना है इसके साथ साथ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, लाइव चैट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी सोर है, जाके फॉलो कर लेना, मैसेज करना, मैं रिप्लाई करूँगा। तो बस ये था सारा कुछ आपको दिखाना बताना, चलता हूँ, फिर मिलूंगा किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको रखना, सी यू अगेन, बाय।